तो भाई ये देखो, मैंने राइड पे जाना था एंड सुबह से गोप्रो चार्ज पे लगाया है, लेकिन ये देखो भाई स्विच ही ऑन नहीं किया है। क्या बंदा हूँ मैं। तो बॉयज मैं ऐसा भी यहाँ पे अपना स्टिकर लगाने के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी लिखा रखी है वैसे हम यूट्यूब का लाएंगे, और मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ जय श्री राम। एंड अपनी बाइक पे जय श्री राम तो गाइस बनता था, तो अभी हम लिखाने वाले हैं जय श्री राम का स्टिकर लगाने वाले हैं एंड यहाँ पे यूट्यूब का। एंड उसके बाद चलते हैं गाइस बिलासपुर, एंड आज बिलासपुर जाने का मन कर रहा है। देखो यहाँ से बहुत करीब है, 40-50 किलोमीटर होगा, लेकिन अभी मैंने बाइक वॉश कराई और बॉयज भाई साहब बाइक क्या मस्त लग रही है, ये देख रहे हो पूरी सेक्सी लग रही है भाई अपनी बाइक। पर फिलहाल स्टिकर लगा लेते हैं एंड उसके बाद घर जाके गोप्रो पे मिलता हूँ आपसे। भाई हम लगा रहे हैं जय श्री राम वाला स्टिकर, और यहाँ पे ये देखो जय श्री राम। लो भाई क्या मस्त लग रहा है, अलग ही लुक दे दिया इस चीज़ ने, जय श्री राम। और यहाँ पे यूट्यूब का ये भी काफी मस्त लग रहा है। ले भाई सिस्टम गाइस, सिस्टम है कर दिया अभी हमने, पर लेकिन सबसे मस्त तो ये लग रहा है जय श्री राम वाला। भाई कितना प्यारा लग रहा है भाई ये जय श्री राम वाला। सो भाई फुल पावर एंड रात में फर्स्ट टाइम मैं राइड कर रहा हूँ, मतलब ऐसे तो राइड मैंने की है बहुत सारी, लेकिन रात में फर्स्ट टाइम, मतलब यू नो ये समझ लो कि रात में बिलासपुर की राइड, वाह अमेजिंग। अभी शाम के 6:30 होने वाले हैं एंड मैं घर से निकल चुका हूँ, आगे मेरे दोस्त मेरी वेट कर रहे हैं। तो फिलहाल बात कुछ ऐसी है कि अभी हो गई है थोड़ी थोड़ी ठंड, मतलब हिमाचल में सुबह शाम ठंड हो चुकी है, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने जैकेट वगैरह पहन ली थी क्योंकि भाई ठंड है ठंड से, और ग्लव्स भी मैंने पहन लिए थे क्योंकि ठंड है भाई ठंड से, नो कॉम्प्रोमाइज़। तो फिलहाल इसलिए मैंने जैकेट वगैरह फुल पैक होके जा रहा हूँ। एंड इस साइड फिर भी कम है गाइस, नालागढ़ साइड और बिलासपुर साइड तो गाइस भाई साहब बहुत भयंकर ठंड होगी। सो गाइस ये रही हमारे साथ एक बाइक और जाने वाली एमटी में, लगा है एक्राफोबिक, ये चेक कर रहे हो यहाँ पे लगा है एक्राफोबिक एंड एक्राफोबिक की साउंड बहुत मस्त है। तो फिलहाल एक्राफोबिक का थोड़ी सी इसको साउंड दिखाता हूँ मैं आपको, इसकी साउंड सुनाता हूँ गाइस एक्राफोबिक की। एंड भाई साहब क्या साउंड है, और ये बैक फायर भी मारती है। फिलहाल इसे मोड़ते हैं, थोड़ी सी इसकी राइड करते हैं एंड अभी थोड़ा सा हमें यहाँ पे वेट करनी पड़ेगी, एक लोंडा और आ रहा है, थोड़ी सी उसकी वेट करनी है। जय श्री राम। एमटी भी सही है, मतलब बाइक खतरनाक है ये भी, एंड इसका एग्जॉस्ट भी भाई खतरनाक। वैसे पिकअप नहीं है लेकिन ठीक है, साउंड काफी मस्त आ रही है। बॉयज अभी सभी रेडी हो चुके हैं एंड केटी मास्टर 390 भी रेडी है एंड अपनी एमटी भी रेडी है, तो लेट्स सी फटाफट निकलते हैं बिलासपुर के लिए। यहाँ से लगभग होगा 50 किलोमीटर एंड फुल पावर गाइस। एंड रात को आई नो गाइस व्लॉग थोड़े से ऐसे ही बनेगा, लेकिन ठीक है रात का व्लॉग भी देख लो गाइस कैसे बनता है। तो लेट्स सी, अभी इसमें फ्यूल अप भी कराना है मैंने, तो पहले फ्यूल अप करा लेते हैं गाइस। रात में व्लॉग देखो जैसा भी बनेगा प्लीज़ एडजस्ट कर लेना, लेकिन ठीक है स्टिल। एंड ये जा रही है हमारी एमटी में लगा है एक्राफोबिक, तो काफ़ी अलाउड है वैसे एंड फुल पावर गाइस, बल्ले बल्ले बिलासपुर। बाइक पे तो मैं पहली बार जा रहा हूँ बिलासपुर पहली बार लाइफ में। तो फिलहाल फ्यूल अप करा लेते हैं बाइक में। तो फाइनली अभी हम निकल चुके हैं बिलासपुर के लिए एंड थोड़ा सा अंधेरा हो चुका है एंड रात के हो रहे हैं 7:30, मतलब देखो 7:30 बजे बहुत जल्दी अंधेरा होता है, आपको पता है आजकल बहुत जल्दी अंधेरा होता है, तो दिखाई तो आपको फिलहाल कुछ नहीं दे रहा, लेकिन ठीक है भाई जितना भी होगा नाइट राइड का गाइस एक अलग मजा है गाइस, अलग फुल पावर। तो गाइस बीच में हमें मिल रहा है थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग भाई साहब, बस थोड़ा सा यहाँ से सवारगढ़ थोड़ा सा रह चुका है
एक्चुअली एक लड़के की वेट कर रहे थे हम, एंड थोड़ा सा इसलिए हम लेट हो गए। तो फिलहाल कोई सीन नहीं, रात अपनी है आई, कोई सीन नहीं। एंड अभी हम चार लोग हैं तो फुल पावर, दो बाइकें चार लोग एंड फुल पावर गाइस। तो भाई इस दिन में इस रोड पे इतना ट्रैफिक होता है भाई, इतना ट्रैफिक होता है ना गाइस। एक तो मेरा कैमरा भी पता नहीं भाई क्यों वो दिखा रहा है, दिन में इतना ट्रैफिक होता है ना यहाँ पे। एंड अभी रात में भाई पूरा रोड खाली है एंड फुल पावर, हम ऐसे ऐसे लीन कर रहे हैं ना गाइस। देखो रात में हम चला भी सेफ रहे हैं भाई, ऐसी बात नहीं कि हम सेफ नहीं चला रहे, हम बाइक बिल्कुल सेफ चला रहे हैं, पर इतना मस्त लग रहा है भाई, इतनी ठंडी ठंडी हवा यार, इतना मस्त लग रहा है। एंड अभी तो हम स्वारघाट भी नहीं पहुँचे गाइस, स्वारघाट से बिलासपुर है 40 किलोमीटर। एंड लेट्स सी गाइस फुल पावर, बाकी लोग देखते रहो गाइस, अगर यहाँ तक देख लेना गाइस तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। तो भाई अभी हम पहुँच चुके हैं स्वारघाट, यहाँ से है मनाली 211, बिलासपुर 40। एंड अभी तो हम गाइस बिलासपुर ही जा रहे हैं, तो लेट्स सी बिलासपुर चलते हैं फटाफट। देखो 40 किलोमीटर है बस यहाँ से, ज़्यादा नहीं, बस सिर्फ 40 किलोमीटर। फाइनली हम पहुँच चुके हैं टनल के पास, ये हमारी फर्स्ट टनल रहेगी पहली। एंड अभी यहाँ से बाइक खींचने का मज़ा आएगा फुल पावर, बस हम हाईवे पे चढ़ जाएं एक बारी, फिर उसके बाद फुल पावर गाइस। तो गाइस अभी हम करने वाले टनल एंटर, एंड ये हमने कर दी। ओ भाई क्या साउंड आ रही है, अंदर से गर्म है पूरी गर्म। काफी लंबी टनल है लेकिन इसमें धूल भी बहुत है काफी यार, काफी ओ माय गॉड काफी धूल ही धूल है इस टनल में भाई। एंड कम से कम 2 किलोमीटर लंबी टनल होगी ये, एंड ये फर्स्ट है, अभी सेकंड आने वाली है इसके बाद, थोड़ी देर बाद आएगी, पर बहुत धूल है यार कसम से, बहुत धूल आएगी। शिट शिट आप धूल देख ही सकते हो भाई, क्या धूल धूल हो रखी है भाई पूरा का पूरा। ओ माय गॉड बाइक थोड़ी सी खींचते हैं यार, अब पूरा मस्त फोर लाइन हाईवे रोड आ चुका है गाइस फुल पावर। भाई साहब क्या मजा है बाइक को खींचने में, एंड 22 किलोमीटर है बिलासपुर भाई, बहुत कम रह गया भाई यहाँ से। तो वही सेकंड टनल आ चुकी है, ये रही सेकंड टनल। एंड इस बाइक की साउंड सुनना भाई, एमटीवी की क्या ही साउंड आएगी। सेकंड टनल लगा इसे, ठंड काफी है यार, खा रहा है स्पीड लेकिन कम ही दिखाता यार। है यार यहाँ पे स्पीड टेस्ट करते हैं भाई, जो कोई लोग मनाली जाएंगे वो देख लेना कि यहाँ पे स्पीड कैमरे लगे हुए हैं, एंड स्पीड बताता ही है, और ये बताता है भाई कितनी स्पीड है राइडर की। एंड तो भाई साहब टनल नंबर 3 आ चुके हैं यहाँ पे, 3 एंड फुल पावर। सो गाइस अभी प्लान हो चुका चेंज, वो आ रही अपनी RC 390, और मैं चला रहा हूँ अभी MT। भाई क्या मस्त लग रही है ये, हाँ चलो 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 मार दा उड़ा के। तो गाइस अभी हम जा रहे नहीं रहे कुमारवी, अभी हम जा रहे हैं घर वापिस, किसी फेर नहीं देखेंगे गाइस,
किसी और दिन देखेंगे भाई, मंडी तक आएंगे। लेकिन ठीक है, अभी घर चलता हूँ भाई। ये ब्लॉग ना फिर से कंटिन्यू होगी, ये अभी पूरा शूट नहीं हुआ है भाई, ये शूट उस दिन होगा जिस दिन फिर से दोबारा आऊंगा, दिन में आऊंगा। भाई साहब ये चेक करो भाई, पानी पानी है, गौ माता जी आ चुके हैं रोड में, तो थोड़ा सा इनसे डर लगता है भाई साहब। गौ माता जी, हाँ भाई आरती आरती क्या मस्त लग रही है भाई। इसे देखो भाई, नीचे पानी ही पानी भाई, गोप्रो में भी नहीं आ रहा होगा, लेकिन काफ़ी मस्त लग रहा है भाई साहब। क्या सीन है यार, पैर हमारे दोस्तों का प्लान कैंसिल हो गया क्योंकि इनको सुबह जाना है ड्यूटी, एंड इसलिए मैंने प्लान कैंसिल ही कर दिया। फिर हम जाएंगे सुबह।